एक गुड न्यूज मेरे अकॉर्डिंग या फिर मेरे लिए, हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। डेट अभी फाइनल नहीं है, मैं अभी रेलवे स्टेशन जाता हूँ, वहाँ जाके पूछता हूँ कि भाई मतलब टिकट का क्या हिसाब है, सीट्स का क्या हिसाब है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। हम बहुत ही जल्दी मतलब जाने वाले हैं, 2-4 दिन में 5 दिन में, तो 1 दिन में, अभी कुछ प्लान नहीं है। पहले मैं अभी देखूंगा सीट्स का क्या हिसाब है, कब सीट्स अवेलेबल हैं। हम 4 बंदे जा रहे हैं, पारस, मैं, पारस का एक और फ्रेंड है और मेरा भाई राम। सीट्स पूछा हूँ फिर फाइनल करेंगे कब जाना कैसी क्या है। तो 11 बजे जाएंगे तो 10 बजे सुबह पहुँच जाएंगे हम। तो अब हमने पूछ रहे हैं यहाँ से और हमारा क्या कहते हैं उसको, कंफ्यूजन ये आया माइंड में, अब एक साइड का है 500 रुपये स्लीपर क्लास, मतलब दोनों साइड के हो गए 1000, और हमें 4 बंदे मतलब कि 4000, और हम गाड़ी में जाएंगे तो लगेंगे 6000। तो ये चाहे तुम थोड़ा बहुत एडजस्ट बीच में कर सकते हैं, अभी सोचते हैं गाड़ी में जाएंगे या फिर ट्रेन में जाएंगे। घर जाके मैंने भाई से पूछ लूँ रेट का क्या रहेगा, डीजल का क्या रहेगा, ये पूछ के फिर पक्का डिसीजन लेके फिर चलेंगे। अभी मैं कर लूँ थोड़ा डिस्कशन भाई से और पारस से। यहाँ रुक के भाई, अभी इसने ये खिलाएगा, क्या खिलाएगा, छोले टिक्की या ब्रेड टिक्की जो दो खाएगा। साइड में डाल देना। ये बैक साइड है ना इसकी, तो मैं आज तक कभी आया नहीं इस साइड। तुम घूमते रहते हो यार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज है 2 नवंबर और आज है सरपंची का इलेक्शन, सरपंची के और एक और होते हैं, कौन से होते हैं, मेंबर होते हैं शायद कुछ, आई डोंट नो। आज फिर हमें गांव में जाना, पर आज हम जाएंगे कमल भाई के साथ। रमन आज शॉप पे बैठेगा और अभी जस्ट वो आ रहा है गाड़ी लेके, मैं भी रेडी हूँ, मम्मी बाहर रेडी बैठे हैं, बाकी सारे ऑलरेडी गांव पहुंच चुके हैं। तो चलते हैं, चलो गांव में वोट डाला है अब सरपंच जी के। आगे गाड़ी, भाई खड़ा है बाहर। लास्ट टाइम बस मैं, मम्मी और राम गए थे वोट डालने, पापा और पल्ले डाल आए थे। इस बार रमन की जगह हमारे साथ कमल है और पापा और राम भी हमारे साथ ही जाएंगे, मतलब सारे इकट्ठे जाएंगे इस बार हम वोट डालने। कह तो रहा था राम के इकट्ठे जाएंगे। तो अब हम है 6 बंदे, मतलब बड़ी मम्मी भी, दादी मेरे साथ, दादी ने भी वोट डाल दिया अब तक, तो दोनों गाड़ियाँ जाएंगे, ये भी और वो भी। यहाँ डल रहे हैं इधर स्कूल में वोट, और मैं डाल आया हूँ, मतलब मेरी, मैं वोट डाल आया हूँ और राम और कमल अभी लाइन में लगे हुए हैं। मतलब मैं कुछ एक दोस्त मिल गया तो मैं उसके साथ आगे लाइन में लग गया, इसलिए मैं आगे, मेरी जल्दी होगी। अब वो आ रहे हैं, और मम्मी और की पहले ही होगी थी, लेडीज़ की थोड़ी लाइन जल्दी चल रही थी वो होगी थी, और वो चले गए अब दुकान पे, और मैं आ गया हूँ अभी, मैं अकेला खड़ा हूँ, और थोड़ी देर तक वो आ जाएंगे फिर चलेंगे घर। और ज़्यादा टाइम लग गया, पिछले बार तो बस 2-5 मिनट मुश्किल से लगे थे, इस बार हमारे को 1.5 घंटा खड़े खड़े लाइन में, बहुत लंबी लाइन थी, भीड़ और बहुत आराम से चल रही थी लाइन। मम्मी को लेने हैं अभी एक बार शॉप पे, इसको ले, मम्मी और को लेके फिर चलते हैं अपना घर। तो गाइस, गांव से आते हुए थोड़ा लेट हो गया था कि हम थोड़ी देर वहाँ शॉप पे बैठे, मम्मी और शॉप पे थे, अब हो गया टाइम थोड़ा ज़्यादा। तो पारस का फोन है कि गौशाला आ जाए, गौशाला जाता हूँ, थोड़ा सा कड़क थोड़ी सी कर रहे हैं सेवा। पहले एक बार रखवाई लेते हैं।
पारस के साथ मैं बाहर आऊँगा कुछ खा के मैं जाऊँगा, ऐसा कभी हुआ नहीं, पता नहीं सर क्या। और जब भी बाहर आएगा कुछ ना कुछ खिला के लेके जाएगा। क्या सीन है भाई तेरा? गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी राम, मैं और पारस, हमारा वैसे दिल कर गया सुबह सुबह बाहर निकलने का। टाइम है सुबह का अप्रोक्सीमेटली 7:15। आज आए हम समोसे खाने, सुबह सुबह सिर्फ मन करेगा समोसे खाने का। 1, 2, 3 एंड राम एंड पारस एंजॉय करो भाई। रामे सुबह सुबह समोसे खाने का कैसा रहेगा आज, कर लेते हैं थोड़ा टेस्ट। सर समोसा खा लिया बिना चाय के, मतलब सूखा सूखा सा, इनकम्प्लीट सा। दोबारा खाएंगे थोड़ी देर में चाय के साथ, अभी तो खा लिया। पर भी हाँ, नया सा एक्सपीरियंस था सुबह सुबह समोसा खाने का, जबरदस्त था।